सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व आप नेता प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने देश की कृषि नीति की सोमवार को पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि इस देश के किसानों को मोदी सरकार एवं देश के कृषि मंत्री ने ठगने का काम किया है। श्री यादव ने अपने किसान मुक्ति यात्रा का आगाज चंपारण की धरती से किया है। वे मोतिहारी शहर के नरसिंह बाबा के मठ में अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव के दौरान किसानों से जो वादा किया था वो वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। मजदूरों वाला तो वो जो अग्निवेश जी ने बताया था सबसे उसके लिए मोदी जी ने वादा किया था 15 अप्रैल 2014 में वादा किया था। चंपारण के लोग कहते हैं नीले गए नीले आ गए, और चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष में दो मजदूरों को आत्मदाह करना पड़े, वो तब जबकि सरकार को जानकारी थी, वो तब जबकि उन्होंने नोटिस दिया हुआ था, और उसके बाद सरकार चुप रहे कुछ ना करे। ये सिर्फ चंपारण पे नहीं, ये भारत के माथे पे कलंक है, और इसको कैसे सरकार दूर करेगी ये प्रश्न सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल बन रहा है। जसवंत सिंह बोले थे कि देश आर्थिक मंदी की ओर जा रही है, आप इसको क्या मानते हैं? मेरा सुझाव ये रहेगा कि इस मंच से हम ये बात करें, इसके अलावा दूसरे मेरे मैं इसका आखिर मंच से संबंधित है, इसका तो जवाब बिल्कुल देश आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा है। 2% GDP गिर गई है, जिसका मतलब है 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। किसान आत्महत्या करने के कगार पे है, रोजगार बढ़ नहीं रहा, पिछले 12 साल की बेरोजगारी सबसे बुरी अवस्था है, निर्यात गिर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है। सही है क्या इस देश में आज? सही है तो सिर्फ जुमले, सही है तो सिर्फ छवियाँ, सही है तो सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट। इसके दिन अब लगने वाले और लोगों में सच्चाई सामने आने वाली। इसका मुख्य कारण क्या है सर गिरने का, मंदी आने का? मैं समझता हूँ कि सरकार पर आप इतना भी भरोसा नहीं कर सकते कि वो अर्थव्यवस्था को एक न्यूनतम जिम्मेवारी से चला। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, देश के लोगों के हित में नहीं है, वो सब अलग बात है, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था भी एक न्यूनतम मर्यादा के साथ चलती है। इस सरकार को तो वो मर्यादा भी नहीं आ रही है। जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी का फैसला किया, जिस हड़बड़ी में इन्होंने GST को लागू किया, ये सब अर्थव्यवस्था को समझदारी से चलाने के लक्षण नहीं है, और कहीं ना कहीं इस सब का असर आज इस देश की अर्थव्यवस्था पे दिखाई दे रहा है, इस देश के किसान की अवस्था पे दिखाई दे रहा है, और देर सवेर शायद जल्द ही इस देश का किसान और इस देश का बेरोजगार खड़ा होगा। थोड़ा सा यदि आप लाइट छोड़ देंगे तो कैमरा वालों पे मेहरबानी होगी, थोड़ा सा लाइट छोड़ दीजिए ताकि हो पाए। चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरा हो गए, लेकिन किसान स्वराज नहीं हुआ, किसान आज भी गुलाम है, और इस मुद्दे को लेके यहाँ से आज हमने देश के 170 संगठनों ने मिलकर किसान मुक्ति यात्रा आरंभ की है। ये यात्रा चंपारण से शुरू होके उत्तर प्रदेश तक जाएगी, ऐसी तमाम यात्राएं देश में आयोजित की जा रही हैं, ताकि 20 नवंबर देश भर के किसान, पूरे देश से किसान दिल्ली में पहुंचेंगे और किसान मुक्ति संसद का आयोजन किया जाएगा। उसके लिए देश भर के किसानों को आमंत्रित करने के लिए भारतीय केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह जी है, यहाँ के किसान के बारे में आप क्या सोचते? देश के कृषि मंत्री राधा मोहन जी से मैं केवल 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। किस हिमाकत से आपने ये कहा कि किसान आत्महत्या इसलिए करता है कि उसके घर में झगड़े और लफड़े और उसके खराब हो जाते हैं? दूसरा, आप कहते हैं कि मोदी जी ने वायदा नहीं किया
कि किसान को ड्योढ़ा दाम दे देंगे, आप झूठ क्यों बोलते हैं? और तीसरा, आप कहते हैं कि किसान की आय दुगनी कर देंगे और जिम्मेवारी इसकी राज्यों पे डाल देंगे, ये कहाँ की ईमानदारी है? महात्मा गांधी के संघर्ष की भूमि से आप आते हैं, कुछ तो लाज रखिए उसकी। कुछ दिन पहले यहाँ दो चीनी मिल मजदूर आत्मदाह किए, उस संबंध में कुछ बताइए। चीनी मिल के दो अलग मामले, मैं चाहूँगा कि बी एन सिंह जी जिन्होंने चीनी का समाधान मजदूरों वाला तो वो जो अग्निवेश जी ने बताया था उसके लिए मोदी जी ने वादा किया था कि 2014 में वादा किए। चंपारण के लोग कहते हैं नीले गए नीले आ गए, और चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष में दो मजदूरों को आत्मदाह करना पड़े, वो तब जबकि सरकार को जानकारी थी, वो तब जबकि उन्होंने नोटिस दिया हुआ था, और उसके बाद सरकार चुप रहे कुछ ना करे, ये सिर्फ चंपारण पे नहीं। SPNI न्यूज के लिए मोतिहारी से ताज तैयब की रिपोर्ट।